दोटके की भिखारी बुढ़िया बदसूरत की गलफुल्ली को फिर से मचने लगी है खुजली। तुमको क्या लगा था विष्णुराज बाहर नहीं आएंगे? मैं तो जा रही हूँ, बाहर मिलूंगी विष्णुराज से 17 फरवरी को। फिर से इसको कीड़ा काटने लगा, अब भड़भड़ाने लगी, चरचराने लगी, व्यू छापने की नया नया तरीका सीख रही है। और गोरखपुरिया भौजी वहाँ पे जा रही है खलीलाबाद, तब इसकी फट रही है। पहले से 2 दिन पहले वीडियो बना के डाल दी, दोस्तों हम जितने भी हमारे से चाहने वाले हैं, मिलने वाले हैं, आप लोग आइए, हम खलीलाबाद में मिलेंगे और विष्णु राज से भी मिलाएंगे। तो वहाँ पे जा रही है शेरनी। तो ये गीदर के काम क्या है? बिल में छुप के रहना, इसीलिए नाटक का ड्रामा कर रही है। दोस्तों हम नहीं जा पाएंगे। तो आइए दोस्तों, क्या हुआ दरियल साहब, हवा निकल गई, लीकेज हो गया? बड़ा हंसता था और गोरखपुर बोल रहे थे छोटे यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर के हैज स्टाइक लगाओ। तो गोरखपुरिया भौजी के लिए काहे के लिए नाम लिख रहा है रे, वायरल होने के लिए? अब तेरी हंसी कहाँ गई? पीछे वाले रास्ता में चली गई क्या? है क्या हुआ, आवाज गुम हो गई? अरे गोरखपुरिया भौजी का अब आस पास में भी जाने के लायक नहीं हो, है? कितना गाली देगा रे, कितना भोकेगा? तू रे कुतिया, बड़े बड़े यूट्यूबर वहाँ पे आ रहे, हम नहीं जाएंगे। तू जाएगी कौन से मुंह लेके? तेरे को तो हो रही है जलन, क्योंकि तेरे तो कोई एक सब्सक्राइबर नहीं है, तेरे से तो कोई फैन नहीं है, तो तू ऐसे खड़ी रहेगी? गोरखपुरिया भौजी के पीछे लाखों दीवाने भीड़ मर मिटने के लिए है, तेरे जैसे नहीं है। कितना भी बदनाम कर लेना, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए तू घर में ही बैठ चुप से, सिर्फ विष्णु के नाम से आने वाला है। अरे आ जाएंगे तो इतने भी मजाक क्यों बना रही हो? व्यू छापने के लिए झूठ मुझसे बोल रही हो? जब आएंगे तो बताएंगे, मीटअप होने वाला है, एडवांस में भी भौंकना चालू कर देती है। और दोस्तों ये वीडियो मैं 3-4 यूट्यूबर पे बना रही हूँ, जिन लोगों को कीड़ा काट रहा है उन लोगों को अच्छे से रिलाय करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दर्पण भंडारी शमलेशी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में सब व्यस्त होंगे, और व्यस्त रहना भी चाहिए, तभी आप अपनी फैमिली में अच्छी खुशियाँ दे पाएंगे। और मैं भी दोस्तों बहुत अच्छी हूँ, आप लोगों को दुआ से। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, भूले भटके आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग दिल थाम के और आराम से बैठिए, आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। और दोस्तों एक और कीड़ा काटने में से है जिसको ना फट रही है, वो घमंड दिखा रही है, जो हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं, जो उसको समझाने के लिए, दिखाने के लिए, जलाने के लिए हम कितने आप लोग को पैसे दिखाते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों। यूट्यूब पे सब एक दूसरे को बोल रहे हैं, देख हमारे पास इतना पैसा है, हम इतना करोड़पति है, हम ये है, तकिया के नीचे इधर नीचे इधर नीचे पड़ा है, अब देख यहाँ पे इतना ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, और ये मोबाइल है, और वीडियो बन रहा है अच्छा वाला मोबाइल से, और इतना पैसा है। बताइए दोस्तों किसी का गरीबी का कितना मजाक उड़ा रही है, बोल रही हम इतने अच्छे पोस्ट पे है, इतने अच्छे संस्कार से बिलोंग करते हैं, और गंदी गंदी गाली देती है। तू क्या दिलाएगी रे औरत का इंसाफ? तू तो एक औरत का तार तार कर रही है, गाली दे रही है। पहले तो अपना लैंग्वेज सुधार ले, उसके बाद बोलना कुछ है। पैसा सबके पास है, ठीक, लोग दिखाते नहीं है, तेरे जैसे ना गर्मी ज्यादा नहीं है किसी को, पैसे तो बिल्कुल नहीं है पास में, दिखाती है, एक्टिंग करती है, अमीर बनने की एक्टिंग करती है। तेरे संस्कार में ही पता चल रहा है तू कितनी अमीर है, कितनी बड़ी वैसी है। ये मैं तुझे दिखाने के लिए, मैं तेरी आंख फाड़ने के लिए ना सबको बोलिए दो टके की भिखारी बुढ़िया बदसूरत है, लहंगा सुधार ले, तो सुधारना आता है। वीडियो चलाने के लिए कुछ से कुछ बोलती रहती है, छोटे छोटे लोग बोलती है, उसका नाम ले लेके वीडियो क्यों बनाती है? जब तेरा पिछवाड़ा में इतना दम है तो अपने नाम लेके वीडियो बनाना है। साड़ी दिखाती है, किसी को 200 का साड़ी हो 200 का साड़ी पहनती है, तुम्हारे उसमें क्या मतलब है? तो देख ले, तू तो सिर्फ इतना देख रहे थे ना, ये ऐसे ऐसे कर रही थी ना, ऐसे ऐसे 1000 रुपए किसी को कोई दिखाता है क्या? है तमीज नहीं है? देख मैं दिखा रही हूँ देख ले। और पेटीएम में है, पेटीएम चलाते हैं, ठीक, तेरे लिए बस मैं ये इतना घर में जो रखा था ना पैसे खर्च के लिए वो दिखाई हूँ। अकल सीख ले अकल, तमीज सीख ले तमीज, गर्मी दिखा। और दोस्तों रे राजा स्थानिया, तू क्या हमको समझती है रे? रे 555 गोरखपुरिया 555 क्या समझती है? देख मेरे घर में कितने सारे सामान है, तुम लोग देख, देख रही है, देख रही है, 32 इंची की LED है, कूलर है 16,500 का, आइस कूलर है, इसमें आइस बर्फ अपने आप जमता है, देख फ्रिज है, देख अनवारी है, क्या नहीं है? तेरे पास क्या है रे? तेरे कैटेगरी में मैं नहीं हूँ, मैं हटके हूँ, अब मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे से उलझने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं सबको सर्वनाश कर दूंगी, याद रखना। वो बचन जो है ना मेरी काली जुबान है, वो निकल चुकी है, बचोगे नहीं तुम लोग,
ठीक, तुम लोग अपना काम करो, बाकी मेरे से उलझने की कोशिश मत करो। तो दोस्तों, जितने भी आप लोग प्यारे भाई और बहन हैं, आप सभी के लिए मैं जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उन सभी को मैं अच्छे अच्छे दुआ देती हूँ। जो गलत कमेंट करते हैं संभाल के मेरे वीडियो में आना, नहीं तो मैं एक चुटकी बजा दूंगी, तुम लोगों के ऊपर केस कर दूंगी। आंख अपने फोड़ लेना, मेरे वीडियो से अलग रहना। बताइए दोस्तों, एक लेडीज है इस तरह की बातें बोल रही है, पैसे दिखा रही है, जेवर दिखा रही है, साड़ी दिखा रही है, घर का सामान दिखा रही है। दोस्तों, कोई गरीब है तो अपने लिए गरीब है, अपने नमक रोटी में खुश है, मतलब इस तरह से ये व्यवहार घमंड दिखा रही है। तो क्यों यूट्यूब पर आई हो वीडियो बनाने के लिए? अब बोल रही मैं इतने पदवी पर हूँ, इतने अच्छे हमारे पोस्ट में है, तुम्हारे तो बोलने की संस्कार नहीं है, तमीज़ नहीं है। और चली हो औरत को इंसाफ दिलने के लिए, पहले तो तुम अपने आप अंदर जुबान संभाल लो और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दो। जो बच्चे रहते हुए भी तुम इतनी गंदी गंदी अभद्र तरीका से गाली देती हो और माता रानी को भी बदनाम करती हो, हैं? ये तुम डाइन हो कि माता रानी तुम्हारे ऊपर आ रही है, हैं? पहले के ज़माने में दोस्तों माता रानी आती थी तो आशीर्वाद देती थी, तुम्हारे सोनी कोख भर जाए, तुम्हारे सुहाग सलामत रहे, अमर रहे। आजकल में आ रही है तो सर्वनाश होगा, तेरा बच्चा आज रात तक नहीं रहेगा, तू विधवा हो जाएगी। बताइए कैसी सोच है, समझ में नहीं आ रहा है। ये इन लोगों को सोच के चक्कर में ना औरत को जो बोला गया ना, जो नाक नहीं रहने पे गूँ खाया जाता है, ये हकीकत में सच में समझ में आ रहा है। अब बोल रही मैं अच्छी परवरिश से पली हूँ, मैं अच्छे घर से हूँ, तुम्हारा घर है, ताजमहल है, तुम करोड़ों रुपए तुम्हारे पास है, गाड़ी है, उससे तुम्हें किसी से क्या मतलब है? किसी का घर नहीं है, कोई किराया पर रहता है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो उसको मजाक तुम क्यों बना रही हो? भगवान से भी डरो। सोना का लंका था रावण को, उनका भी जल के सर्वनाश हो गया है। और जितने भी तुम्हारे टीम के हैं ना, सब बोल रहे हैं दरियल, सब जो छोटे यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर था, गोरखप्रिया भोजी का नाम क्यों लिख रहे हैं? उन्हीं को गाली दे रहे हैं, उन्हीं के नाम से वायरल हो रहे हो, है? शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? जितना भी भोंक लो, भोंकने फड़फड़ाने तांडव करने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक? इसीलिए सब सतर्क होके किसी को गाली गलौज मत दो, साफ सुथरा वीडियो बनाओ। पहले अपने अंदर तुम लोग झांक के देखो जो किस तरह से किसी कितने आदमी को लोग बेइज्जत करते हो, गाली देते हो, बस ऐसे ऐसे करने लगती हो, सबको आता है सब कुछ बोलना। और ऊपर से मुझे ललकारने की कोशिश मत करना, अपने औकात में आओ नहीं तो औकात में ला देंगे। दोस्तों, ये मैं वीडियो बनाई थी किसी के ठेस पहुंचाने की उम्मीद में नहीं बनाई थी। जिनको भी ठेस लगी हो, जिनको भी मेरी वीडियो बुरी लगी हो, तो उनसे हम सॉरी मांगते हैं, क्षमा कर देना। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके लाइक करके जरूर बताना जो मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। आप लोग भी जो अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं उनको आप लोग साथ दीजिए, अच्छे अच्छे कॉमेंट करिए, हौसला बढ़ाइए। और जो गलत किसी के बारे में बोलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।